हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव मिश्रा लेकर के आया हूँ आपके लिए एक और धमाकेदार कूल ट्रिक, जिससे आपका एमएस वर्ड में काम करने का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपको एक शॉर्टकट की बताने जा रहा हूँ, Shift+F5। चलिए शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। नई फाइल पर काम करते हैं और यहाँ पर मैं आपके लिए एक पैराग्राफ टाइप कर रहा हूँ। सॉरी, एक्सेल की प्रैक्टिस की वजह से कंट्रोल एंटर, ठीक है, राइट। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर किसी भी पेज पर कोई भी टेक्स्ट एडिट कर देंगे। जैसे कि मैंने लिखा, हेलो माय नेम इज राजीव, और राइट, ऑटो करेक्ट की ज़रूरत नहीं है इसमें, दैट्स ऑल। नाउ मैंने जाकर के कहीं और थोड़ा सा एडिट किया, यहाँ पर एडिट कर लेते हैं, एंटर, दिस इज माय कूल ट्रिक। और अब मैं Shift+F5 प्रेस करूँगा और ये डायरेक्टली जंप कर जाएगा मेरे मोस्ट रिसेंट एडिट टेक्स्ट पर, जो मैंने लास्ट टाइम चेंजेस किए थे, जहाँ एडिट किया है वहाँ पर Shift+F5। ये देखिए, यहाँ पहुँच गया, Shift+F5 से हम जंप कर सकते हैं यहाँ पर। अब नाउ मैंने कुछ और चेंजेस किए, मैंने लिखा हेडिंग वन, बोल्ड किया, थोड़ा सा एडिट किया, दैट्स राइट। और Shift+F5 देखिए मुझे लेकर के जा रहा है मेरे लास्ट एडिट टेक्स्ट पर। तो इस तरीके से किसी लार्ज डॉक्यूमेंट में आप इजीली मूव कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ Shift+F5। ये कमाल की ट्रिक आपके काम आएगी। दूसरी कमाल की ट्रिक है मेरे पास, Ctrl+F3 है। Ctrl+F3 में मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट को कट करने की बजाय Ctrl+F3 कर रहा हूँ, ये कट की तरह ही काम कर रहा है। Ctrl+F3, 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 और जहाँ भी मैं इसे पेस्ट करना चाहता हूँ मैं वहाँ प्रेस करूँगा Ctrl+Shift+F3। देखिए सारे के सारा टेक्स्ट आ गया एक ही बार में। तो जब Ctrl+X का आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए सिर्फ एक टेक्स्ट को कट करता है और रिसेंट में पेस्ट कर देता है। क्लिपबोर्ड की मदद से आप मल्टीपल पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर क्लिपबोर्ड ना लेकर के मैंने एक ऑप्शन स्पाइक ले लिया है, ठीक है। ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे, उसके लिए हम सिर्फ Ctrl+F3 का इस्तेमाल कर रहे हैं, Ctrl+F3, Ctrl+F3। और जब मैं इसको पेस्ट करना चाहूँगा Ctrl+Shift+F3 से, तो ये यहाँ इस तरीके से डिस्प्ले कर देगा टेक्स्ट को। चलिए तीसरी और मज़ेदार की है मेरे पास, Alt+Drag है। Alt+Drag का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, Alt+Drag ये लिया मैंने और यहाँ पर मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। Alt+Drag ले रहे हैं हम, ये देखिए Alt+Drag का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखिए, ये इस तरीके से Alt+Drag। तो यहाँ पर आप Alt ले लीजिएगा, Alt+Drag का इस्तेमाल कर लीजिए आप। इस तरीके से ये कूल ट्रिक्स काम करेंगी। मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए एक और नई कूल ट्रिक की वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।